हमारा आज का कमेंट है, सर मेरा नाम आकाश कुमार है, मेरी एज 38 वर्ष और वज़न 72 केजी है। पिछले कई साल से मुझे पूरे शरीर में फंगल इन्फेक्शन है। सबसे ज़्यादा समस्या चेहरे पर है, चेहरा पूरा ख़राब हो गया है। कई डॉक्टर चेंज कर दिया हूँ लेकिन दवा छोड़ते ही ये दोबारा आ जाता है। पिछले 10 दिन से आपके वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पर आपका अच्छा फीडबैक देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन अब इलाज करते करते मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही है, इसलिए आप फंगल इन्फेक्शन का कोई कामयाब इलाज बताएं जो कि बहुत सस्ता हो। आपका हमेशा आभारी रहूँगा। देखें, कमेंट तो आते रहते हैं, हर रोज़ कई सौ कमेंट आते हैं वीडियोस के ऊपर, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं, जिन्हें लगता है कि यार, जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि इसका रिप्लाई देना ज़रूरी है, कि हो सकता है किसी एक की समस्या ना हो। और मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के कारोबार में नुकसान हुआ है, टूटे हैं कारोबार, इससे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारे लोगों की गड़बड़ है। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दिया जाए कि जिससे कि जेब पर भी लोड ना आए और इंसान अपनी परेशानी से भी मुक्त हो जाए। तो मैं अपने वीडियोस के अंदर कई बार ये बात बता चुका हूँ, फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने ही मेरे वीडियोस हैं, कि आप कोई सी भी एंटी फंगल मेडिसिन खा लें, कितने भी डॉक्टर्स को चेंज कर दें, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये रीग्रो होता है, ठीक है नहीं। इसलिए मेरा सबसे मशवरा है कि जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो एक इम्यूनिटी बूस्टर ज़रूर लें, ठीक है। शुरू से यानी कि आज से तीन साल पहले का मेरा वीडियो जाकर देखें, हिमालय सेप्टिन सिरप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके आप कमेंट्स पढ़ लें जाके। तो मैं आज भी ये बात कहूँगा कि जिस किसी को ऐसा लगता है कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा दवाई अफोर्ड कर सके, ज़्यादा महंगी दवाई अफोर्ड कर सके, तो वो हिमालय सेप्टिन सिरप शुरू कर दे 2 महीने के लिए, लेकिन ये विद कंडीशन है। आपको कोई दवा नहीं लेनी है, सारी दवाएं बंद कर देनी है जो भी आप दवाई ले रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, और सिर्फ हिमालय सेप्टिलिन सिरप शुरू कर दें आप 10 ml सुबह दोपहर शाम, 10 ml सुबह में, 10 ml दोपहर में, 10 ml शाम में, ठीक है नहीं। आपको लगेगा सिर्फ एक दवा बता दी, काम करेगी भी नहीं करेगी, तो आप मेरे फीडबैक जाके चेक कर सकते हैं 3 साल पुराने वीडियोज़ के ऊपर जहाँ मैं हिमालय सेप्टिलिन पेशेंट को रेकमेंड किया करता था। आज भी रिजल्ट मिलेगा लेकिन विद कंडीशन। कंडीशन क्या है कि देखें, आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें बहुत सख्त परहेज करना पड़ेगा कम से कम 2 महीने। क्या करना है, चीनी वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मीठा, जितनी भी, जिस तरीके का भी मीठा है, वो आपको बंद करना पड़ेगा फ्रूट्स को छोड़कर, ठीक है। मीठे फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इसके अलावा आपको सभी कुछ बंद करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, तला हुआ या जिनमें ज़्यादा नमक है, ये सारी चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या लेंगे, आप सब्जी, रोटी, चावल, ठीक है, ये ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सब्जी रोटी खाएं तो उसमें सब्जी ज़्यादा हो, 70% सब्जी हो और 30% रोटी हो। जब आप चावल खाएं तो उसमें 70% दाल हो और 30% चावल हो, ये रेशियो आपको बना के रखना है। जितने भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं, इसी में रोटी में होते हैं, हमारे चावल में होते हैं, ये आपको लो कर देने हैं, कम कर देने हैं। बढ़ा देना है क्या है, फाइबर, सब्जियां बढ़ा देनी है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट को आप चाट बना के ले सकते हैं और ऐसे ही खाना चाहे तो कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हैं। आपको जो अपना पेट भरना है वो फ्रूट्स से, वो सब्जियों से, वो दालों से, ठीक है नहीं, इनसे ही अपनी डाइट को मेंटेन करना है 2 महीने तक। तला हुआ, भुना हुआ, नॉन वेज, सिगरेट, स्मोकिंग, गुटखा, शराब, ये सारी चीज़ें एकदम स्ट्रिक्टली बंद करनी पड़ेंगी आपको। अंडा, ठीक है नहीं, ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट्स, ये सब बंद करने पड़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि सिर्फ एक हिमालय सेप्टिलिन सिरप से आप अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। और ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन, आप देखें कि सोरेसिस एक बीमारी होती है, जिन लोगों को है उन्हें पता है कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, ये आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इम्यून सिस्टम ही स्किन को डैमेज कर रहा होता है। और इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं, इस टाइम ड्राइनेस होती है स्किन के अंदर, तो सोरेसिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। अगर वो ये डाइट चार्ट अपना लेते हैं तो उनका क्रीम से पीछा छूट जाएगा, मेडिसिन से पीछा छूट जाएगा जो वो सोरेसिस के लिए ले रहे हैं। बिना किसी क्रीम के, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ इस डाइट से वो मैनेज कर सकते हैं अपने सोरियोसिस को, ठीक है नहीं, और ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो इसकी कोई डेट तो फिक्स होती नहीं कब ठीक होगा। लेकिन अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं कुछ महीने के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सोरेसिस को भी इससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ज़बान ये चटोरी होती है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उस पेशेंट के लिए कि जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो परहेज़ नहीं कर सकते, तो अब इस टाइम क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखें, मैंने कुछ दिन पहले ओमेगा शुरू किया था, और ओमेगा शुरू होने के बाद या वर्टिलिटी शुरू होने के बाद, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत कामयाब इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छा वर्क दे रहा है, काम कर रहा है, तो लेकिन एक कंप्लेन आती थी कि थोड़ा आपका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है। तो हमने पिछले 15-20 दिन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वो ये किए कि देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि ओमेगा Q10 की डोज एक दिन में BD है, एक दिन में 2 कैप्सूल है, हम फिर भी आपको OD दे रहे थे कि एक दिन में 1 कैप्सूल लें, और अब हमने क्या किया है, इसको 48 घंटे में 1 कैप्सूल कर दिया है। ओमेगा Q10 आप 48 घंटे में 1 कैप्सूल लेंगे तो भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, लेकिन विद कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपको फिर हिमालय सेप्टिलिन सिरप साथ में लेना पड़ेगा, हिमालय सेप्टिलिन सिरप विद ओमेगा Q10। तो ट्रीटमेंट, नया ट्रीटमेंट क्या बनेगा, जिनकी कंडीशन ठीक है, जिन्हें इतना स्ट्रेस नहीं है पैसों का, तो वो क्या लेंगे, वीजल सारसा सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, सर्दी हो रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी में, हल्का सा जो गर्म पानी होता है ल्यूक वार्म वाटर, उसके अंदर मिक्स करके ले लें, ठीक है, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम की शिकायत ना हो, तो ये ले लें 10 ml दिन में 2 टाइम। सेकेंडरी ओमेगा Q10 कैप्सूल 48 घंटे में 1, हिमालय सेप्टिलिन सिरप 10 ml दिन में 3 टाइम, ठीक है। तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है ल्यूरिकिनाजोल या कैटेकिनाजोल क्रीम, ठीक है, नहीं बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर कैटेकिनाजोल के अलावा कुछ ना हो, या ल्यूरिकिनाजोल के अलावा कुछ ना हो, या एमरोलफिन क्रीम भी आप ले सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर है तो, क्योंकि एमरोलफिन क्रीम थोड़ी महंगी होती है ल्यूरिकिनाजोल के मुकाबले, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, और नहीं तो आप ल्यूरिकिनाजोल भी ले सकते हैं, और कंडीशन थोड़ी लो है तो फिर आप कैटेकिनाजोल भी ले सकते हैं। कैटेकिनाजोल मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50 से 60 रुपये का क्रीम आपको इजीली मिल जाएगा 20 ग्राम में, ठीक है। ल्यूरिकिनाजोल 80 रुपये का या 90 रुपये का मिलेगा 10 ग्राम में, लेकिन ये 20 ग्राम मिल जाएगा आपको, तो वो ले सकते हैं। एमरोलफिन आपको पड़ेगा 150 रुपये का तकरीबन 15 ग्राम क्रीम, तो इस तरीके का आप मैनेज कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है कि आप तीनों में से कोई सी भी चीज़ ले लें। ये शुरू करिएगा ट्रीटमेंट, 20 दिन लीजिएगा, मुझे 20 दिन में पूरी उम्मीद है कि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है 20 दिन में तो आप उसको फिर 20 दिन के लिए और बढ़ा दें, 40 दिन में आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन कहाँ पर, बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है, बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो चेहरे पर हो, चाहे वो जेनिटल एरिया में हो, चाहे वो स्काल्प के ऊपर हो यानी सिर के ऊपर, चाहे नेल्स के अंदर हो, ठीक है, नहीं ये चलने दीजिएगा, 2 महीने में आप हर तरीके के फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा जाएंगे।